हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या कभी आपने सोचा है, ये नासा वाले जो अंतरिक्ष में इतने रॉकेट उड़ाते रहते हैं, वो आखिर उसे ट्रांसपोर्ट कहाँ से और कैसे करते होंगे? वेल, आज मैं आपको यही नहीं, वो कहाँ से, कैसे और क्यों अमेरिका लाया गया था, बने रहना होगा। वैसे क्या आपने कभी हजारों किलो वाली विशाल व्हेल मछली को जमीन के जरिए अपना रास्ता तय करते देखा है, या किसी एरोप्लेन को दो हिस्सों में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए देखा है? नहीं ना। इनफैक्ट मैं तो आज आपको एक ऐसे होटल के मालिक से भी मिल पाऊंगा जिसे अपनी होटल से इतना लगाव था कि उसने अपनी होटल को टूटने से बचाने के लिए अपनी 48 लाख किलो वाली होटल को जमीन से उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो देर किस बात की है, करते हैं ट्रांसपोर्ट का सफर शुरू इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल मोस्ट इनक्रेडिबल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। नंबर 1, होटल की शिफ्टिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी एक बंद 3 मंजिली 48 लाख किलोग्राम वाली खंडर होटल को जमीन से उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाते हुए देखा है? आई बेट नो। तो ये देखो क्लिप। इस होटल के मालिक ने रिमोट कंट्रोल मशीन के जरिए अपना अक्का का अक्का होटल उखाड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करवा लिया, वो भी एकदम सही सलामत, बिना किसी खरोंच वरोंच के। और ये बिल्डिंग कोई ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं, बल्कि ये कैलिफोर्निया रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस की पुरानी बिल्डिंग में से एक है। तो आखिर इसे शिफ्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? एक्चुअली फ्रेंड्स, हुआ ये था कि सन 1989 में कैलिफोर्निया में आए भूकंप में ये होटल अंदर से बहुत ही तहस नहस होकर बंद पड़ गई थी। तो यहाँ के मालिक ने बड़े ही सही तरीके से अपना दिमाग दौड़ा के इस पुरानी होटल को 2001 में बिना उसके ओल्ड इज गोल्ड कंस्ट्रक्शन को ठेस पहुंचाए, इसे अपनी ओरिजिनल जगह से 57 मीटर दूरी के नई जगह पर ट्रांसपोर्ट किया, जिसके उन्हें अच्छे खासे डबल ट्रिपल पैसे लगे। सबसे पहले तो होटल को सिर्फ खिसकाकर नई जगह लाने के लिए इन्हें 21 करोड़ रुपयों का खर्च करना पड़ा। नई जगह स्थापना के बाद रिनोवेशन के पूजा पाठ में इन्हें 21 करोड़ का ऑलमोस्ट ट्रिपल यानी 60 करोड़ रुपए का रिनोवेशन की दान पेटी में डालना पड़ा। और फाइनली 2004 की शुभ मुहूर्त में इन्होंने अपनी होटल वार्मिंग पार्टी रखी, यानी होटल रीओपन कर दिया। भाई, हमें इनसे सीखना चाहिए कि ओल्ड इज गोल्ड क्या होता है। नंबर 2, नासा के रॉकेट का ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था, आपने अपने दिमाग थोड़े तो दौड़ाए होंगे ना कि कैसे और कहां ये नासा वाले इतने बड़े बड़े 5-5 लाख किलोग्राम वाले रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वेल, दिमाग ज्यादा मत दौड़ाइए और ये क्लिप देखिए। वेल फ्रेंड्स, ये मशीन देख रहे हैं ना, इसे क्रॉलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मेड ओनली फॉर नासा है। एंड यू विल शॉक टू नो दैट ये मशीन जो खुद ही 3 लाख किलो की है, वो अपने ऊपर तो 25 लाख किलो वजन उठाने की क्षमता रखती है। और इसी मशीन की मेहरबानी के चलते नासा के रॉकेट और अन्य वजन वाली वस्तुओं को ये क्रॉलर ट्रांसपोर्टर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च एरिया तक ले जाता है, जिसके बीच का डिस्टेंस कम से कम 4.5 से 6 किलोमीटर तक है। लेकिन ये जो अपना भारी भरकम क्रॉलर ट्रांसपोर्टर है ना, ये स्पीड में कछुए से भी ज्यादा स्लो है, यानी 4.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर का रास्ता ये सिर्फ और सिर्फ 1.6 किलोमीटर पर आर की धीमी धीमी रफ्तार से करता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान भी चलते चलते इससे पहले पहुंच जाए, क्योंकि ये क्रॉलर ट्रांसपोर्टर सिर्फ 6 किलोमीटर जितना सफर करने के लिए तकरीबन 5 घंटे लगाता है। तो अगर आप इससे रेस लगाएंगे तो ये पूरे 110% टका चांस है कि आप ही जीतेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लिया कैसे नासा अपनी रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट इधर से उधर कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? पर इस क्रॉलर ट्रांसपोर्टर को ऑपरेट करने के लिए 30 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस एक साथ इस पर काम करते हैं। नंबर 3, जहाजों का हल्क। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में बनी नई गाड़ियां पूरी दुनिया में अलग अलग जगह कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती हैं? तो फ्रेंड्स, ये सब होएक ऑटोलाइनर्स की बदौलत पॉसिबल है, जो पूरे साल 15 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, ये एक ट्रिप में एक साथ पूरी 8,500 गाड़ियों को अलग अलग जगह कुरियर करता है। मतलब जरा सोचो कितना बड़ा होगा ये जहाजों का हल्क। होएक ऑटोलाइनर्स 36 मीटर चौड़ा है और डेस्क स्पेस तो बाबा रे बाबा, पूरी की पूरी 71,400 स्क्वायर मीटर है, यानी इतना बड़ा कि ये अपने आप में 11 फुटबॉल फील्ड समा सकता है। अब आप ही सोचो, इसके मालिक घर में आराम से बैठे बैठे कितना नोट छापते होंगे। एक ट्रिप में ये धंधा करने वाले 60 करोड़ से 100 करोड़ कमा सकते हैं। और ये जहाज पानी पर तकरीबन 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, जो आप बाइक पे 2-3 गियर पे चलाते हो। नंबर 4, ट्रॉला प्लेटफॉर्म। क्या आपको पता है आजकल मैनकाइंड ने पृथ्वी पर सबसे टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट किया है? इंटरेस्टिंगली, ये अजूबा अपने एफिल टॉवर से भी लगभग 500 फीट बड़ा है। तो आखिर क्या है वो?
सोचो सोचो हिंदू, ये जमीन पर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन पर नहीं है तो कहाँ है, तो वेल ये नॉर्वे के नॉर्थ सी में स्थित ट्रॉला गैस प्लेटफॉर्म है, जो 1549 फीट ऊंचा और पूरा का पूरा 68 करोड़ किलोग्राम जितना वजनदार है। इसके 3 कंक्रीट वाले पांव 994 फीट पानी के अंदर हैं, यानी आधे से ज्यादा तो ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। हाँ सही सुना, ये पानी के अंदर से तेल निकालने के लिए बनाया गया है। और इसके ये पांव तो बॉस अंबुजा सीमेंट से भी 100 टाइम्स ज्यादा मजबूत हैं। नहीं यकीन होता तो ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक तूफानी लहरों से भी डटकर मजबूत खड़ा है। लेकिन यार एक बात बताओ, इतनी वजन वाली चीज को पानी में आखिर कैसे लाया गया होगा? तो वेल इसे पहले जमीन पर बना के फिर पानी में ट्रांसपोर्ट किया था। मतलब जरा सोचो, 68 करोड़ किलोग्राम वाली ट्रॉला गैस प्लेटफॉर्म को कैसे खींच कर पानी में लाया गया? वेल फ्रेंड्स, इसे जमीन से कुछ 200 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीचों बीच ले जाना था, और इसे ले जाने में इंसानों की सूझबूझ से लेकर मशीन और बोट्स की ताकत तक की बहुत मेहनत लगी। लाइक लिटरली इसे 10 बड़ी नावों के जोर लगा के हैशा के सारे पानी में खींचा गया था, और वो भी सिर्फ 1.8 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से, जो कि एक कछुए से भी ज्यादा धीमी है। और तो और इसे तकरीबन 47 लाख करोड़ रुपयों में बनाया गया था। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे बड़े ऑयल रिग के लिए स्थापित किया गया है। नंबर 5, जीवन मौत का संघर्ष। वेल दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक व्हेल मछली को ट्रांसपोर्ट किया जाता है? मैं यहाँ पानी में नहीं बल्कि जमीन की बात कर रहा हूँ। हाँ शौक में तो ये आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी इस व्हेल मछली को रास्ते से ट्रांसपोर्ट होने की, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात एले के मरीना डेल रे की है, जहाँ पर एक दिन एक बड़ा सा नन्ना सा बेहद ही गंभीर सी हालत में एक ग्रे व्हेल का बच्चा मिला, और ये इतना जख्मी था कि इसे पानी में अकेले तो छोड़ा भी नहीं जा सकता था। अगर छोड़ते तो समझो इसका पानी में दम घुट के मरना तो निश्चित था। ऊपर से जब एले के मरीन एनिमल रेस्क्यू एनजीओ ने इस व्हेल बच्चे की माँ को ढूंढना शुरू किया, पर 2 दिन तक लगातार सर्च करने के बाद भी उसकी व्हेल माता का कुछ अता पता नहीं मिला, तब अब व्हेल के बच्चे का करें तो करें क्या, इसे यहाँ मरने भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए एनजीओ वालों ने अपने दिमाग दौड़ाए और सोचा कि इसे किसी आसपास के जू में शिफ्ट करते हैं। और तो और भाई, इस व्हेल के बच्चे की हाइट पूरी 13 फीट 10 इंचेस थी, जो तो 2 खली के बराबर है। और तो और इसका वजन भी करीब 900 किलोग्राम था। अब बड़ा सवाल ये कि इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करें उसका था। फिर फाइनली उन्होंने इस बड़े से व्हेल के बच्चे को एक 24 फीट वाले ट्रक में बिठा के सीधा सैन डिएगो जू में ट्रांसपोर्ट कर दिया। पर एले से सैन डिएगो 3 घंटे दूर था, तो भाई वो जिंदा कैसे रहेगा? इसके लिए तो एनजीओ वालों ने लगातार 3 घंटों तक व्हेल पर बाल्टी से पानी छिड़क छिड़क कर उसको सही सलामत जिंदा रखा और जू पहुंचाया। वो जू वाले तो इसे प्यार से जेजे बुलाते थे। और फिर फाइनली 14 महीनों बाद जेजे को वापस तंदुरुस्त फिट एंड फाइन करके वापस समुद्र में छोड़ दिया गया, और तब से लेके अब तक उसकी कोई चिट्ठी तक नहीं आई। नंबर 6, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, क्या कोई व्हीकल ट्रांसपोर्टर आधे घंटे की जर्नी को पूरा करने के लिए 3.5 हफ्ते लगा सकता है, यानी 588 घंटे लगा सकता है? मतलब भाई ऐसा क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, चलिए जानते हैं। और से देखिए इस रियल लाइफ ट्रांसफार्मर को, जो पूरी दुनिया में अब तक का जमीन पर सबसे वजनदार व्हीकल है, वो भी पूरे 145 लाख किलो का, यानी ये पूरे 2000 बड़े बड़े हाथियों जितना वजनदार है। और इसका असली नाम है बैगर 288 व्हीकल, जो 721 फीट लंबा 321 फीट ऊंचा है, और ये धरती का सीना छलनी करके उससे कोल की माइनिंग करता है। तो जब सन 2001 में इसे जर्मनी के एम्बेक माइन से गर्ज़वीलर माइन तक सिर्फ 23 किलोमीटर का सफर करना था, तब इसे ये सफर पूरा करने के लिए पूरे के पूरे 3.5 हफ्ते का वक्त लग गया, जिसे तो आप अपनी आम गाड़ी के साथ भी 30-40 मिनट में पहुंच सकते हैं। पर ये 23 किलोमीटर का छोटा सा सफर बैजर 288 के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करते वक्त जर्मनी का नेशनल हाईवे 61, एफ नदी और रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ा था। लेकिन आई बेट आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े व्हीकल को क्यों मूव किया जा रहा है, क्या ये अपनी जगह पे सही नहीं है? तो वेल हुआ यूं कि सन 1978 से 2001 तक इस बैचर 288 ने हैम्बेक माइंस पर लगातार कोल की माइनिंग की, मतलब इतनी की कि वहां कुछ बचा ही नहीं, इसलिए इसे दूसरी जगह यानी गर्ज़वीलर माइंस काम करने के लिए भेज दिया गया। इतना ही नहीं बॉस, इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो जर्मनी सरकार ने पूरे 65 करोड़ खर्च किए थे। वैसे क्या आपको पता है कि इस बैचर 288 व्हीकल को बनाने में कितने करोड़ खर्च हुए थे? पूरे 720 करोड़ रुपए। और इंटरेस्टिंगली इसे बनाने में पूरे 5 साल लगे थे, और व्हीकल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद अलग से इसे 5 साल और लगे थे अपने पार्ट्स जोड़ने में। नंबर 7, वायुयान के 2 टुकड़े। क्या आपने कभी हवा में उड़ने वाले प्लेन को रास्ते पर घसीट घसीट कर ट्रेवल करते देखा है? नहीं तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 231 फीट लंबे और 60,000 किलो वजन वाले बोइंग 747 प्लेन को कैसे यूके के कॉट्सवर्ल्ड एयरपोर्ट से स्ट्रैफोर्डशायर 4 पहियों पर ले जाया गया वो बताऊंगा।
सॉरी बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। ये देखो इन्होंने इतने विशाल प्लेन को रास्ते से ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडियन जुगाड़ वाला लॉजिक लगा के दो टुकड़ों में बांट दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब्जी का थैला वजन वाला हो जाने से आधी सब्जी दूसरे थैले में डाल देते हैं और इसे ले जाने के लिए दो बड़े बड़े थैले मेरा मतलब है दो बड़े बड़े ट्रकों में डाल दिया गया। पर दो टुकड़ों में काटने के बाद भी ये 22 फीट चौड़ा 16 फीट ऊंचा और 115 फीट लंबा था और एज यू कैन सी इन द क्लिप इन ट्रकों ने तो पूरे हाईवे का रास्ता ही ब्लॉक कर लिया अपनी स्लो स्पीड से जिससे कई घंटों तक ट्रैफिक जैम लगा रहा। अब आप सबने ये तो जान ही लिया कि कैसे इस प्लेन को रास्ते से ले जाया गया पर इसे क्यों ले जाया गया ये सवाल तो आया ही होगा ना मन में। तो वेल वोइंग 747 एक्चुअली कवाड़ प्लेन बन चुका था जिसका प्लेन वालों को कोई यूज नजर नहीं आ रहा था तो बस ऐसे में इसे एक इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडियो को बनाने में इस्तेमाल किया गया क्योंकि स्टूडियो बनाने के लिए नई बिल्डिंग खरीदने से ज्यादा उनको प्लेन को रेनोवेट करके स्टूडियो बनाना ज्यादा सस्ता पड़ा और इंटीरियर डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा। नंबर 8 अमेरिका'स गिफ्ट। वेल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट ट्रांसपोर्टेशन पर। अब सबको पता ही होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पर क्या आपको पता है कि इसे पहले फ्रांस में बनाया गया था। इनफैक्ट इस हरी औरत को तो फ्रांस से अमेरिका ट्रांसपोर्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने इसे अमेरिका को दोस्ती की निशानी के रूप में 17 जून 1885 को दिया था। अब इतनी बड़ी सी विशाल 151 फीट वाली और 2 लाख किलोग्राम वाली प्रतिमा को एक साथ तो नहीं ला सकते थे तो इसे फ्रांस से कैसे लाया गया होगा। दरअसल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पूरे के पूरे 360 टुकड़ों में बांटकर 214 बड़े बड़े वुडन बॉक्स में पैक करके फ्रांस से एसर जहाज से अमेरिका लाया गया। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि ये बॉक्सेस को अनपैक करने में कितना टाइम लगा होगा। एंड फाइनली अब पीसेस को सही से फेविकोल से जोड़ के 26 अक्टूबर 1886 को प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लेवलैंड ने पब्लिक के लिए खोला था और आप बिलीव नहीं करोगे पर इसे बनाने में फ्रांस ने करीब 40 करोड़ रुपए का खर्च किया था और इस पर आप ऊपर से थोड़े करोड़ अपने आप इसके ट्रांसपोर्टेशन के साथ जोड़ लें क्योंकि गूगल भी असमर्थ है इसका उत्तर देने में। वेल फ्रेंड्स इसके साथ ही खत्म करते हैं हमारा आज का वीडियो और उम्मीद है कि आपको कुछ तो नया जानने को मिला ही होगा। और वेट क्या कर रहे हैं बाबा जी का घंटा दबाना मत भूलिएगा और साथ ही लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय सी या जय हिंद।